26 अक्टूबर को मुंगेर गोलीकांड मामले को लेकर कोतवाली थाना में कांड संख्या 312/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में दर्ज होने वाले 6 सिपाहियों के नाम भी सामने आ गए हैं। मुंगेर गोलीकांड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के बावजूद एसपी मानव सिंह ढिल्लो का कहना है कि इस लिस्ट में कई और नाम हैं जिन पर शिकंजा कसेगा। बता दें कि मुंगेर में जो घटना हुई थी उससे सरकार की काफी फजीहत हुई थी और विपक्ष को इसी बहाने सरकार को कटघरे में लाने का बड़ा मौका मिल गया था। इस पूरे मामले पर जांच की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है और जिला प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी में दर्ज नामों में सिपाही भास्कर झा, सिपाही विजेंद्र सिंह, सिपाही विकास कुमार, सिपाही मोहन कुमार, एएसआई ब्रजेश सिंह और कुमार कृष्ण जो कि पुलिस का करीबी बताया जा रहा है, जो नए डीएम और एसपी हैं इस मामले पर सघनता के साथ जांच कर रहे हैं कि पुलिस जांच कर मामले की तह तक पहुंच सके। जो जांच रिपोर्ट है वो फाइनल स्टेज में है, वो कभी भी आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले पर जांच काफी फूंक फूंक कर किया जा रहा है। इस मामले पर चुनाव आयोग भी काफी सख्त है और चुनाव आयोग ने भी कार्रवाई करते हुए मुंगेर के तत्कालीन एसपी और डीएम को हटा दिया था।